तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ, यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको कुछ फॉर्मूला यानी कि सूत्र की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हम सूत्र आपको याद करने का तरीका बताए थे कि होता कैसे सूत्र है और कैसे याद रखा जाएगा, लेकिन अगर आप सूत्र याद रख लेते हैं तो जल्दी बना पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा सूत्र को याद भी करना और समझना भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हम कल की क्लास में पिछला क्लास में बताए थे कि कोई सतह रंगीन नहीं, तो इसका सूत्र लगाना है n माइनस टू का होल क्यूब। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, कोई सतह रंगीन नहीं n माइनस टू का होल क्यूब। अगर कोई सतह के बाद एक सतह रंगीन की बात करेंगे, एक सतह रंगीन की बात अगर करेंगे तो आप बोल लिखेंगे n माइनस टू का होल स्क्वायर गुना छ, ठीक है। और ये छह क्या होता है, छह सतह की संख्या होता है और उसी सतह पर आपको एक सतह यानी कि एक सतह रंगीन मिलेगा। फिलहाल आप अभी रट्टा लगाओ इसको। फिर दो सतह रंगीन का हम बताए थे आपको, दो सतह रंगीन का फॉर्मूला n माइनस टू गुना 12। 12 क्यों होता है, क्योंकि हम कल की क्लास में बताए थे किनारे पर असर पड़ेगा, किनारे पर दो सतह रंगीन होगा इसलिए 12। और हम बताए थे तीन सतह रंगीन का सूत्र होता है n, कुछ नहीं सूत्र कुछ नहीं होता है, यहाँ पर 8 आंसर देना है, ठीक है। ठीक, तीन सतह रंगीन का हमेशा आंसर 8 देना है, क्योंकि आपको कल हम जो बताए थे कि मान लिया जाए हमारा ये घन है और घन का हर कोना पे तीन सतह ही निकलेगा, तो टोटल घन में 8 ही कोना होता है, इसलिए 8 आंसर देंगे। तो ये चीजें आपको ना थोड़ा याद भी करना है, समझने की कोशिश भी करना है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं स्क्रीन पे, कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने का, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बशर्ते आपको अभी हम कुछ, हाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और बच गया बताने के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि मान लिया जब कोई घन होगा ना, जैसे कि ये घन है हमारा, जब इसको काटा जाएगा ना तो उसको घन के रूप में ही काटा जाएगा। बात को समझना, कोई भी घन को जब काटा जाता है तो उसको घन के रूप में ही काटा जाएगा, यानी कि हो सकता है वो दो छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है तो वो क्या होगा कि वो घन ही बनेगा। तो अगर मान लिया जाए, बात को समझना, कि हम ये आपको घन बना दिए, ठीक है, और हम इसमें एक दो तीन लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक, मतलब कि तीन लाइन खींचे तो चार भाग में कटा, एक दो तीन चार। फिर हम यहां पर इस तरह से एक दो तीन लाइन यहां खींच दिए, फिर हम क्या किया यहां पर तीन लाइन ऐसे खींचे, एक मतलब कट लगा रहे हैं ये दो और तीन, फिर हम इसमें क्या किए तीन लाइन ऊपर से काट दिए, तो एक दो तीन हो गया, फिर इसमें एक दो तीन, फिर इसमें एक तीन लाइन खींचना है, हाँ तीन, और इसमें भी तीन लाइन खींचना है, तीन, और इसमें तीन लाइन ऐसे खींच दिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कट रहा है ना, ये जो कट रहा है ना, ये टोटल एक आपका घन ही कट रहा है, ये घन के रूप में कट रहा है, और टोटल कितना छोटा छोटा घन बनेगा वो मायने रखता है। ध्यान से देखो, एक दो तीन चार, चार चौके 16 और 16 चौके 64 घन बनेगा। आपको ये कहेगा क्या, हम देखो मतलब कि 64 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, तो बताइए कि एक सतह रंगीन कितना होगा, दो सतह रंगीन कितना होगा, तीन सतह रंगीन कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इस 64 का ना आप घनमूल निकालोगे। घनमूल का मतलब होगा कि जो काटा गया ना, यानी कि चर करके काटा गया चार, तो हम चार लिखेंगे यहां पर, और इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि n जो निकलेगा हमारा, n जो निकलेगा उसका घनमूल कर देंगे। उतना टेंशन हम नहीं देना चाहते हैं आपको ना, क्वेश्चन में सिखाएंगे, रुको, डर जाओगे नहीं तो फिर कहोगे सर हार्ड हो गया। देखो मतलब सोचना पड़ता है कभी कभी कि आपको कैसे हम आसानी से सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को देखिए कितने लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपको बनाना था, एक सेकेंड, दे रहे हैं क्वेश्चन, हाँ चलिए
इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए कहता है कि ऐसे पहले ना ऊपर पढ़िए, कहता है कि उदाहरण एक से तीन दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी घन के सभी सतहों को एक समान रंगों में रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। नंबर एक में लिखा है, देखो 125 छोटे छोटे, तो आपको क्या करना है वो समझ गए ना, आपको 125 का घनमूल निकालना है 5, और वो जो 5 निकलेगा आपका वही एन निकलेगा, ठीक है। और ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन होगी, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। ये तीनों बातों का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए निकालने का, फिर हम बताते हैं आपको। देखिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, तो वो जो 125 दिया हुआ है ना, 125 का घनमूल निकाल लीजिए आप सबसे पहले, ठीक है। बात को समझना, हम कहना क्या चाहते हैं, और फार्मूला तो सेम है। क्वेश्चन में अगर कोई सतह रंगी नहीं, एन माइनस टू का होल क्यू करेंगे, एक सतह रंगीन एन माइनस टू का होल स्क्वायर गुना 6 करेंगे, दो सतह रंगीन एन माइनस टू गुना 12 करेंगे, और तीन सतह रंगीन का आंसर हमेशा 8 देंगे। ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है। और अभी हम जो बताए आपको एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे उसका घनमूल कर देंगे। तो पहला देखो, छोटे घनों में जो काटा गया 125 में काटा गया है 125, तो वो जो काटा गया होगा उसका घनमूल करोगे तो n का मान हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। अब इसी का सूत्र लगाना है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। एक सतह रंगीन का सूत्र होता है n माइनस टू का होल स्क्वायर गुना 6। अब ये क्यों होता है सूत्र, आपको ये भी बताए थे कल की क्लास में, क्योंकि वो हमारा सरफेस पर एक सतह रंगीन होगा और दो माइनस इसलिए होगा क्योंकि कोना वाला जो सतह पर होगा वो 3 रंगीन होगा, तो दोनों कोना का हट जाएगा जिस कारण से ऐसा होता है, और किनारे वाला दो सतह रंगीन होगा इसलिए वो भी हट जाएगा, इसलिए बीच वाला भाग बचता है इसलिए दो माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पर एन का मान हो गया 5, 5 में आपको 2 कम कर देना है और स्क्वायर करके गुना 6 करना है, तो 5 में 2 जाएगा बचेगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 6, तो 9 6 54 आपका आंसर, यानी कि एक नंबर का 54 आएगा बी नंबर। सबका आंसर बिल्कुल सही था और हमको उम्मीद है कि सब लोग सही बनाए थे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देखना नहीं है, हम आपको यही बता देते हैं। देखो ऐसे घनों की कितनी संख्या जिनकी केवल एक सतह, एक सतह का रंगीन का सूत्र क्या होता है ध्यान से समझना, सूत्र होता है एन माइनस टू का होल स्क्वायर गुना 6। अब एन कहाँ से मिलेगा बताओ, एन मिलेगा ये जो 125 यहाँ दिया है ना, 125 का घनमूल करोगे, क्या करोगे घनमूल, और जब घनमूल करोगे तो उसका 5 निकलेगा, यहाँ पर एन के जगह पर 5 बैठा दोगे, 5 में 2 जाएगा बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 6, 9 छक 54। समझ में नहीं आया तो बोलो, तब क्वेश्चन हटा देंगे यहाँ से। बोलो आया समझ में, नहीं आया समझ में, देखो बात को समझना, आपको क्या करना है, छोटे छोटे घनों में जो वो बांटा गया था, 125 छोटे छोटे घनों में बांटा गया, ठीक, तो इसका मतलब वो जो काटा होगा ना वो 55 सेंटीमीटर पे काटा गया अपना घन को, ऐसा काटा होगा। तो हम ये समझ गए कि n की जो वैल्यू होगा वो हमारा 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि n जो 125 छोटा छोटा घन में काटा गया उसका घनमूल निकालेंगे तो मेरा 5 निकलेगा। अब पढ़ क्या रहे हो आप, घन पढ़ रहे हो, घन क्यूब पढ़ रहे हो, तो घनमूल का चर्चा होगा इसमें। 5 एक सतह रंगीन की चर्चा है, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन कहाँ होगा घन में, एक सतह रंगीन होगा बीच में आपका, ठीक है। तो उस तरह का 6 सतह होता है, 6 से गुना होगा n माइनस टू का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। कोई सतह रंगीन नहीं रहता तो n माइनस टू का होल क्यों करते, उसमें 6 वो कुछ नहीं, वो बीच में रहेगा, बीच का मतलब अंदर का भाग रहेगा। तो यहाँ पर देखो 5, यही 5 को n के जगह पर डाल दो तो 5 में 2 जाएगा और उसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, गलत लिखे थे हम, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 6 करेंगे तो 54 आपका आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में, ब्लैक देख रही स्क्रीन, स्क्रीन अपना टिप टॉप करो स्क्रीन आ जाएगा सही, बैक होके फिर करो।
बैक होके फिर ज्वाइन हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन होगी। अब देखो दो सतह रंगीन की चर्चा किया गया। दो सतह कहां पर रंगीन होगा? तो जब हम घन बनाए थे कल की क्लास में और बताए थे तो वो किनारे पर होगा दो सतह रंगीन। ठीक है, डब्बा लेके भी बताया गया था आप लोगों को कि डब्बा में बताया गया था कि ये जो किनारा होता है किनारे पर दो सतह रंगीन होगा, कोना मेरा हट जाएगा। तो कोना जब हटेगा तो दो तो घटेगा ही, तो एन माइनस टू लिखोगे। ठीक है, और वो जो बनेगा ना वो ना तो स्क्वायर की तरह बनेगा ना घन की तरह, इसलिए यहाँ पर ना ऊपर स्क्वायर देना ना क्यूब देना, लेकिन जो बीच में बन रहा था ना वो स्क्वायर की तरह क्षेत्रफल हो जा रहा था, इसलिए लिखेंगे n माइनस टू गुना। ठीक है, क्या लिखेंगे उसके बाद? किनारों की संख्या। किनारों की संख्या कितना होता है? किनारों की संख्या 12 होता है टोटल घन में। ठीक है, घन या घनाभ में, तो यहां पर 12 लिखेंगे, इसलिए सूत्र में आपको दिया गया था अभी n माइनस टू गुना 12। ठीक है, तो आपका इसका सूत्र हो जाएगा ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन होगी। तो दो सतह रंगीन का सूत्र होता है एन माइनस टू गुना 12। तो एन के जगह 125 तो डाल नहीं पाओगे, 125 डाल के सॉल्व करोगे ना तो आपका ना तो आधा घंटा लग जाएगा, गुना भाग करते रह जाओगे और दूसरा लोग नौकरी ले लेगा। तो 125 का आप घनमूल निकालो ना, ये सब लॉजिक दिया आपको करना कैसे वो बता रहे हैं। तो 125 का घनमूल क्या होगा? 5 हो जाएगा, ये तो पता चल गया। एन के जगह 5 लिखेंगे, माइनस 2 करेंगे और गुना 12 कर देंगे, तो 5 में 2 जाएगा 3, गुना 12, 12 3 36 आंसर हो जाएगा इसका, 36 होगा। किसको किसको नहीं समझ में आया हमको बोलो, यहाँ पर समझना n माइनस टू गुना 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दो सतह रंगीन, और दो सतह रंगीन का जो सूत्र होता है वह होता है n माइनस टू गुना 12। n के जगह पर 5 रखेंगे क्योंकि 125 छोटे छोटे भागों में शुरुआत का लाइन में ही बोल दिया था, तो 5 में 2 घटा दिए 3 लिखे, गुना 12 करेंगे, 12 3 36 आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे बनाओगे, सेम क्वेश्चन है। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बना देना एग्जाम में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। देखो कोई भी सतह, जब कोई एक घन को बनाया जाएगा तो वो जो कोई सतह रंगीन, अब जब उसको रंगा देंगे तो जब सब काट के जो अंदर का भाग बचेगा ना तो वही होगा कोई सतह रंगीन नहीं, यानी कि कोना वाला कट के निकल जाएगा जिसका 3 सतह रंगीन होगा, किनारे वाला सतह निकल जाएगा जिसका 2 सतह रंगीन होगा, और बीच का निकल जाएगा जो 1 सतह रंगीन होगा। तो बीच का अंदर का जो गुदा भाग बचेगा ना वो एक घन की तरह ही बचेगा, काटते काटते जब निकलता है तो वो घन को जब काट रहे हैं सब काट के छोड़ देंगे, ऊपर का हर रंगीन भाग निकाल देंगे, तो जो बीच का अंदर का भाग बचेगा। ठीक है, जैसे आम का बोलेंगे क्या पूरा हम छिलका हटा दे तो क्या बचेगा आपका? गुदा भाग। गुदा को हटा दो तो क्या बचता है? गुठली भाग। ठीक है, तो उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि जो बीच का भाग बचेगा वो बीच भाग आपका बचेगा, मतलब कोई सतह रंगीन नहीं। ठीक है, तो उसका सूत्र वो घन की तरह बचेगा, उसका सूत्र होगा एन माइनस टू का होल क्यूब। तो n माइनस टू का हल क्यू, n माइनस टू का हल क्यू कर दो, n माइनस टू का हल क्यू। तो ध्यान से देखो यहाँ 5 हो जाएगा मेरा, क्या 5 हो जाएगा मेरा n का मान, माइनस 2 करेंगे और क्यू कर देंगे, 5 में 2 जाएगा क्या बचेगा 3, और 3 का क्यू करेंगे तो आंसर हो जाएगा 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 आंसर हो जाएगा। देखो बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे ना अपना वो उसको क्या कहते हैं सेंस नहीं लगाता है, दूसरी बात वो क्या कि टिक नहीं पाता है, अपना माइंड को नहीं लगा पाता, नहीं भी समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आप कोशिश करोगे, देखते रहोगे, समझने का को प्रयत्न करोगे तो समझ जाओगे। अब बहुत सारा बच्चा जो भाग जाते हो, छोड़ देते हो, सोच लेते हो कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो उसे जिंदगी में नहीं होगा, ये भी जान लेना। ठीक है, क्योंकि कोशिश करोगे तभी जीतोगे, ऐसे नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले आपको एक बार हम फिर से समझाते हैं कि ये जो 3 सवाल हुआ ये क्यों हुआ ऐसा, ये 3 सवाल ऐसा क्यों हुआ पहले ये समझ लो। ठीक है, ध्यान से समझना, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कल की बातों को, क्योंकि घन और घनाभ थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट को, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आपको हम कल की क्लास में बताए थे कि देखो अगर कोई भी घन बना हुआ है, ठीक है, कोई भी घन बना हुआ है, ये हमारा घन है, तो जब इसको
रंग कर दिया जाए, पूरा पेंट कर दिया जाएगा और तीन सतह की चर्चा किया जाएगा, तो तीन सतह रंगीन जो होगा वो हमारा कॉर्नर पर होगा। कॉर्नर पर तीन सतह रंगीन होगा। रंगीन होगा ये चीजें ना अपना कॉपी में बना बना के लिख लो, क्योंकि लर्निंग पीरियड है ना हम लोग के लिए, तो ये सब रटा रटाया है, आज से नहीं पढ़ा रहे, बहुत दिन से पढ़ा रहे तो सब याद हो गया है। क्या कॉर्नर पे तीन होगा तो तीन से तो रंगीन आठ आंसर देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमको ना बराबर क्वेश्चन भेजते रहते हैं, ठीक है, पता नहीं कैसे क्यों भेजते हैं, जबकि हम बहुत अच्छा से पढ़ा दिए हैं सब चीज, बहुत पहले भी पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर समझना कि तीन सतह रंगीन कैसे होगा। यहाँ पर अगर हम इसको रंग करते तो ये ऊपर का इतना पार्ट रंग होगा, ये बोले हाँ, एक पार्ट इधर सामने का होगा हाँ, और एक पार्ट उधर का रंग हो जाएगा, तो तीन ही सतह रंगीन होगा। यानी कि जब इसको काटा जाएगा, मान लेते हैं कि अगर हम इसको काटेंगे जिस तरह से ये हम बोले थे कि बराबर बराबर अगर काटना पड़ेगा इसको, कि चलो एक लाइन ऐसे खींच दिए, एक दो तीन चार, अगर हम चार लाइन खींचे एक दो तीन चार पांच, तो पांच घन कटेगा मेरा इसमें, ठीक है, पच पच तो, यानी कि छोटा छोटा करके कटेगा। और जानते हो कितना टोटल घन कटेगा, सिर्फ घन से जब काटेंगे ना तो घने निकलेगा, और 125 टोटल घन निकलेगा मेरा, ठीक है। जब घन को घन के रूप में बदला जाएगा, एक बड़े घन को काटा जाएगा, छोटा छोटा घन बनाया जाएगा, यानी कि उसका बच्चा बनाया जाएगा, इसका बच्चा निकलेगा तो यही ना निकलेगा, इसी तरह का रूप रंग होगा ना, अलग तो नहीं निकालना है, घनाप तो नहीं निकालना। तो जब इसको हम काटेंगे तो 125 कट सकता है, या फिर 64 कट सकता है, 4 का क्यूब, या फिर 8 कट सकता है, 2 का क्यूब, ठीक है, या फिर 27 कट सकता है, 3 का क्यूब, इस तरह से कट सकता है, फिर 36216 कट सकता है, छोटा छोटा घन भी सब क्वेश्चन यही सब डालेगा, वो जितना भी डालेगा वो एन की वैल्यू में आपको यही सब का रखना होगा, घनमूल निकाल के कभी पांच रखना होगा, कभी घनमूल निकाल कर चार रखना होगा, यानी कि ये पांच छोटे छोटे कटेगा। आप देखो यहां से हम ऐसे कर रहे हैं, एक मिला रहे हैं से दो तीन चार, फिर इधर से चार हम डाल रहे हैं, देखो ध्यान से, एक दो तीन चार, और ये चारों यहां पर इस तरह से लाइन खींच देगा, एक दो तीन चार, जब ये कट के निकल रहा होगा ना, ये घन की तरह ही निकल रहा होगा, एक दो तीन चार, फिर यहां से निकलेगा इस तरह से, एक दो, यहाँ तीन एट हुआ जी, गलत हो जाता है बार बार मेरा यही चीज, ठीक है, लेकिन आप समझ जाना, तीन चार, एक दो तीन चार, तो ये जो कट के निकला क्या निकला, घन निकला, तो घन सब घन निकला, तीन सतह रंगीन जो होगा ना, यहाँ पर देखो ऊपर का रंगा हुआ, बोले हाँ सर, एक उधर का रंगा एक इधर का, मान लीजिए लकड़ी का रहता, आप लकड़ी का समझ लो, और लकड़ी को आप रंगा देते पूरे, ठीक है, और फिर आप उसको छोटा छोटा घन निकालते, छोटा छोटा निकालते इसको काट काट के सेम बराबर बराबर इसी तरह से, तो ये ऊपर रंगा निकलता, साइड में निकलता, कोनों पर उधर निकलता, अंदर कैसे रंगेगा, अंदर जब काटोगे तो अंदर का रंगा हुआ चीज नहीं निकलेगा, वो सफेद निकलता है लकड़ी का, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, या लाल निकलेगा, लाल का मतलब वो अपना कलर देगा जो भी देगा लकड़ी का, तो इसका मतलब यहाँ पर एक तीन सतह रंगीन, यहाँ पर एक तीन सतह रंगीन, यहाँ पर कोना पे, यहाँ कोना पे, तो टोटल कोना कितना है, आठ कोना है, तो आठों से निकलेगा तीन सतह रंगीन, इसलिए कोना होगा। लेकिन जब दो सतह रंगीन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये कोना वाला हटा दो, इधर कोना, ये देखो किनारे पर, यहाँ पर, यहाँ पर दो सतह रंगीन निकलेगा, क्योंकि इधर का रंगा है, बाकी जो अंदर का निकलेगा ना वो क्या निकलेगा जानते हो, वो निकलेगा अपना कलर निकालेगा, वो लकड़ी का अलग कलर, तो यहां पर भी रंगा निकलेगा, यहां पर भी निकलेगा, यहां पर भी निकलेगा, ये देखो कोना वाला हट जाएगा, इधर हट जाएगा, इसलिए n माइनस टू किया जाता है, कि जितना होगा एक दो तीन चार, अगर पांच हो रहा है, यानी कि घन की संख्या अगर पांच में काट रहे हो, पांच काट रहे हो, तो पांच में दो घटा दो, क्यों घटाओगे, क्योंकि वो तीन सतह वाला तो जा रहा है ना, तीन वाला निकल रहा है ना आपका, तो इसलिए हम उसको घटा देते हैं, पांच में दो घटाते हैं। अब देखो बात को समझना, अब यहाँ पर कहेंगे कि सर 12 गुना क्यों करते हैं जब दो सतह करते हैं, क्योंकि हर किनारे पर दो सतह रंगीन होगा, देखो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, लेकिन ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला ना तीन सतह रंगीन है, इस जगह ना तीन सतह रंगीन है, देखो एक ऊपर, एक इधर सामने वाला, और एक इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, तीन रंगीन, तो इसलिए इधर भी और यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी ना उसका तीन सतह रंगीन होगा, ये वाला इधर, एक वो वाला, और एक वाला इधर उधर साइड वाला, तो तीन, तो इसलिए जब इधर से एक हट जाता है, एक उधर हट जाता है, इसलिए एन माइनस टू करते हैं, दो क्यों करते हैं, और गुना 12 क्यों करते हैं, 12 इसलिए करते हैं क्योंकि टोटल हर किनारे पर दो सतह रंगीन होगा, और
टोटल किनारा की संख्या 12 है, इसलिए गुना 12 करते हैं। तो दो सतह रंगीन वाला बात होगा n माइनस टू गुना का, हाँ n माइनस टू गुना 12। लेकिन अगर एक सतह रंगीन की बात करते हैं, तीन सतह के बाद हम दो सतह बताए हैं, समझना, दो सतह रंगीन का सूत्र बताए, तीन सतह का आंसर हमेशा 8 देना है, 8 आंसर होगा तीन सतह का, लेकिन दो सतह का सूत्र होगा n माइनस टू गुना 12, 12 का मतलब ये किनारों की संख्या। लेकिन अगर एक सतह की बात करेंगे, एक सतह कहाँ पड़ेगा जान, तो एक सतह देखो इधर दो सतह निकल जाएगा, इधर भी किनारे पर दो सतह निकल जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट आपका एक सतह रंगीन होगा, और इस जगह ना एक वर्ग की तरह ही दिखेगा। ध्यान से देखो ये वाला जो लाइनिंग है ये वर्ग की तरह है, समझ रहे हो, मतलब एक इधर से हटा दिए, एक इधर से हटा दिए, तो इस तरह से एक वर्गाकार हो गया, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन का स्क्वायर 9, यानी कि ये 9 वर्ग सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो। इसका मतलब बात को समझना, ये वर्ग हो रहा है, इसलिए n माइनस टू, और टू क्यों, देखो इधर किनारा वाला एक इधर से निकल गया और एक वाला किनारा इधर से निकल गया, तो बीच में ये सब जो रंगा होगा ना, ये वाला आपका यानी कि सरफेस पे जो ये रंगा होगा, ये एक सतह रंगीन होगा, ये भी एक सतह रंगीन होगा, इसलिए n माइनस टू करेंगे और गुना करेंगे सतहों की संख्या, सतह कितना 6 है, तो 6 से गुना करेंगे, इसलिए सूत्र में बोलता है एक सतह रंगीन का सूत्र होता है आपका n माइनस टू। स्क्वायर देना जरूरी है, स्क्वायर इसलिए देना जरूरी है क्योंकि ये ऑलरेडी वर्गाकार की तरह है, आपको सूत्र में याद रखना n माइनस टू का स्क्वायर गुना 6, ये 6 क्या है, ये सतह की संख्या है टोटल हर सतह पर, यहां पर भी बीच में ये वाला पार्ट ना आपका एक सतह रंगीन दिखेगा, ये वाला पार्ट इतना टा पार्ट, ठीक है, लेकिन इधर इधर वाला दो सतह हो गया, उधर हट गया, यानी कि एक उधर से हट जाता है, एक इधर से हट जाता है, इसलिए n माइनस टू करते हैं। अब ये हो गया एक सतह, अब कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह रंगीन की अगर चर्चा करेगा तो वो बीच में दिखेगा आपका, बीच का मतलब होगा कि जब हम पूरा काट के हटा देंगे वो इधर का रंगीन वाला पार्ट, इधर से उधर से इधर से साफ सब तरफ से जब हटाएंगे तो बीच में, जैसे लकड़ी का रहेगा तो बीच में जो बचेगा, जो कि अपना लकड़ी का कलर बचेगा, रंगीन सब हट गया, रंग सब किया हुआ सब हट गया, तो बीच का जो भाग बचेगा ना वो कोई सतह रंगीन नहीं बनेगा, बचेगा, और वो जानते हो वो ऑलरेडी जो बचेगा एक घन की तरह ही बचेगा, इसलिए उसके लिए सूत्र होता है एन माइनस टू, और टू तो हर इधर से ऊपरी सतह निकल गया, उधर से उस साइड का निकल गया, इधर का किनारा निकल गया, उधर का किनारा निकल गया, इसलिए एन माइनस टू। अब गुना, गुना नहीं, कुछ नहीं, इसमें कुछ बचता ही नहीं, आपका हॉल क्यूब कर देंगे, क्योंकि अंदर में जो बचेगा ना वो घन के आकार का ही बचेगा, इसलिए क्यूब करने से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऊपरी भाग निचला भाग आप हटा के कर रहे हो। तो ये था आपका तीन चार सूत्र, और देखो तीन सतह, दो सतह, एक सतह, कोई सतह नहीं, तीन सतह का आंसर क्या देना है 8। तो आज के क्लास में हम यहीं तक बताने वाले थे आप लोगों को, कुछ सवाल और है, हाँ बोलो, अब कुछ सवाल और है आप लोगों को, हम वो बता देते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाओ कि हाँ इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम जितना समझाने का था कल की क्लास में और आज की क्लास में हम समझा दिए, अभी ज़्यादा हेडेक नहीं देना चाहते, इसलिए आराम से आपको पढ़ाना चाहते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ इसको, धीरे धीरे हर टाइप का क्वेश्चन बता देंगे इस बार, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है, डरिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 तक उसमें 27 आएगा ना सर? हाँ 36 आएगा, कहाँ दिमाग था 36। देखो सबसे पहले आप ना कितने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया था, कितने सतह रंगीन था, दो सतह था कि नहीं, कोई सतह रंगीन नहीं था, दो सतह था, ठीक है। हम क्वेश्चन जो दिए थे आप लोगों को दो सतह वाला दिए थे, पहले देखो क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन लिखते नहीं हो, स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो, दिमाग खराब कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कितने सतह है, ऐसे कितने गण होंगे जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। अब देखो कोई सतह रंगीन का नहीं, सूत्र क्या होता है, n माइनस टू का हॉल क्यू, तो 27 इसका सही आंसर है, 27, हाँ क्या होगा 27। n माइनस टू का क्या सूत्र होता है, हॉल क्यू, तो 5 में 2 जाएगा क्योंकि 125 दिया हुआ, 125 का गणमूल क्या निकलेगा जी, क्या निकलेगा बोलो ना, 5, 5 में 2 जाएगा 3, 3 का क्यू 27, ठीक। अब ये ना कि 3 3 9, कहाँ बेवकूफ लड़का ये करता है कि 3 3 9 खोज रहा है वो, ठीक है, गलत हो जाएगा, वो नहीं सोचना है, 3 3 9 नहीं, ठीक है, नहीं तो उसी में पार हो जाओगे 3 3 9 में, क्योंकि 27 होगा, 3 का क्यू 3 गुना 3 गुना 3 करना है, ठीक। चलिए अब देखो कुछ बातें हम ना आपको ये दिखा देते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, इस चीज को समझो, देखो क्या बोला गया यहाँ पे,
यहाँ पर हम जो ये दिया है अगला कॉन्सेप्ट के लिए ये दिए हैं, यदि किसी घन को बराबर आयतन वाले n छोटे घनों में इस प्रकार बांटा जाए कि उसकी प्रत्येक भुजा अर्थात प्रत्येक कोर n भागों में विभाजित हो जाए, तो विभाजन के बाद कुल प्राप्त छोटे घनों की संख्या n बराबर n क्यू होगी। हम अभी आपको बताए थे विभाजन के बाद छोटे घनों की संख्या बराबर n बराबर n क्यू होगी। अगर हम इस क्यूब को उस पर लाएंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, वो मेरा घनमूल हो जाएगा। बात को समझना, n बराबर n क्यू होगी, यानी कि बड़ी n जो है ना वो क्या है, कुल छोटे घन की संख्या। कुल छोटे घन की संख्या जो है n बराबर कैपिटल n बराबर n क्यू है। n क्यू है का मतलब अगर हम छोटे छोटे कितना घन निकलेगा, कितने आकार का निकलेगा, तो जब इस तीन को उस पर भेजोगे तो घनमूल निकलेगा। इसलिए हम बोले थे कि अगर 125 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है तो 125 का घनमूल निकालोगे तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यह समझना है, आगे देखो, एक एक घन को छोटे छोटे समान घनों में काटने के बाद उनके विभिन्न भागों पर स्थित घनों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। देखो, ऊपरी सतह, मध्य सतह और निचली सतह, ठीक है। यानी कि S बराबर हो गया शीर्ष घन, M बराबर मध्य घन, C जो जहाँ C लिखा गया ना वो केंद्रीय घन, सेंटर घन, ठीक है, और N4 हो गया अंतः केंद्रीय घन। तो ये सब चीज़ याद रखना, ठीक है। और इतनी बातें याद रखने से आपको अगला जो सवाल हम बताएंगे उसमें कुछ आपको सहायता प्रदान करेगा समझने में ये चीज़ें, ठीक है। देखो, एक दिन में ये नहीं समझा जाता है, लेकिन धीरे धीरे समझा जाएगा। अब देखो, जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कल की क्लास में हम ये सब क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे पहले ये सब क्वेश्चन को आप ना एक बार देख लो, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस तरह क्वेश्चन क्या करना है। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन कल की क्लास में होगा, लेकिन पहले आप समझ लो। कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में विभाजित किया जा सकता है। तो 8 को 2 से भाग दे दो, 4 और 4 का क्यूब कर दो 64। बात को समझना, जब 8 सेंटीमीटर भुजा है और 2-2 सेंटीमीटर काटेंगे तो 2-2-2 क्या टाइम काटना होगा, यानी कि 3 टाइम काटेंगे तो 4 भुटो का छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा, नहीं तो 4 का क्यूब कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 64। देखो, आप ना इस तरह समझो कि मान लेते हैं कि एक रुमाल है, और एक रुमाल का कहा जाता है ऐसा क्वेश्चन में कि अगर हम रुमाल में 4 कोना होता है, एक कोना काट दे तो कितना कोना बचेगा, ठीक है, कितना कोना बचेगा बोलो, तो 5 कोना बनेगा, 4 नहीं। अब बात को समझना, 4 को जब काटा जाता है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, जब 4 को काटोगे तो 1, 2, 3 और 2 कोना ऑलरेडी बन जाता है। यानी कि इसी तरह से यहाँ लॉजिक लगाना है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, जब 2-2 काटेंगे तो 8 को 3 बार काटेंगे उसको, यानी कि 3 क्रॉस आप उसमें लगाओगे, 1, 2, 2 काटना है ना 8 में, तो 2 4 8 4 3, हाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8, 3 क्रॉस लगाए, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, ठीक है, 2 2 2 2 सब 8 हो गया। तो ये कहने का मतलब होता है कि जितना बार बोलेगा काटने के लिए उतना एक कम क्रॉस लगता है, ठीक है, नहीं समझे, बात को समझना। जब ये हमको मान लीजिए इतना है, तो हमको 8 सेंटीमीटर को बराबर काटना था, 1 2 3 क्रॉस लगाएंगे तो 2 2 2 2 कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 8 को 2 से भाग दे दो, 8 को 2 से भाग दे दो, यानी कि 4, वो 4 छोटे छोटे खाने बनेंगे, क्या बनेंगे, वो 4 छोटे छोटे खाने बन जाएंगे, ठीक है। और 4 छोटे छोटे खाने का मतलब होगा 4 का क्यूब, क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कल की क्लास में बताएंगे, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल मिलते हैं। धीरे धीरे आपको समझाना चाहते हैं, हड़बड़ाहट के साथ अगर हम समझाएंगे ना तो ये चैप्टर आपका माथा से ऊपर उड़ जाएगा, और माथा से ऊपर उड़ने का मतलब है कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका माथा से ऊपर उड़े, समझना जरूरी है, इसीलिए आराम से पढ़िए, ठीक है। और ये तो पेड कोर्स की वीडियो है, तो पेड कोर्स में थोड़ा सा आप लोगों को हम अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।